और सरकार में बैठे कई नेताओं ने साहिबगंज जिला के खुटहरी पंचायत के ढोलबाजा गांव को विकसित कर मुख्य धारा से जोड़ने की बात तो कई बार की है, पर योजनाओं में लूट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डकारने के चक्कर में योजनाएं धरातल पे उतरती कि पहले ही दम तोड़ देती है। देखिए इसमें हमारी खास रिपोर्ट। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि साहिबगंज जिले के खुटहरी पंचायत के ढोलबाजा गांव में न तो पीने का पानी है, न बिजली है और न ही सड़कें हैं। अगर कुछ है तो वो जॉब कार्ड है, लेकिन इसके बावजूद जॉब नहीं है। यहाँ रहने वाले 60 परिवारों को एक भी दिन का काम पिछले 3 सालों में नहीं मिला है। गांव हेमा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिस वजह से बरसात में सड़कें कट जाती हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार गार्डवाल बनाने की मांग की है, मगर BDO साहब गार्डवाल की जगह सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। पंचायत सेवक शशि कुमार दुबे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मजदूरों के अभिलेख खुले नहीं हैं, जबकि तमाम मजदूरों के अभिलेख खुले हुए हैं। पूछे जाने पर वो नाराज होकर कहते हैं कि 3 साल का फसल आप क्यों गा रहे हैं। जरा सुनिए आपकी वो क्या कह रहे हैं। शशि कपूर दुबे जी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। पिछले 3 साल में एक भी कोई भी सरकारी योजना का कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छी बात तो नहीं है सर, ये ऐसा है क्या सरकारी नियम सर कि अगर यदि आपको कुछ भी करना हो किसी चीज के लिए तो यहाँ पे पैसे के चढ़ावा चढ़ाया जाता है आप लोग? तो, ये हम ये तो, नहीं पता ये तो एकदम डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं ना जो यहाँ के किस पोस्ट में वार्ड सदस्य बोल रहे हैं क्लियर आपके बारे में कि आप जो है सीधे बता रहे हैं कि BDO साहब से संपर्क करो कितना पैसा लेंगे, क्या कहेंगे इसमें आप? नहीं हमको इसमें नहीं है, हमको जो रिकॉर्ड से रिकॉर्ड का काम है आज तक चुका नहीं पाए हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण काम मांगने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाते हैं तो अपने अकाउंटेंट मनीष कुमार से मिलने की बात कहते हैं, और मनीष कुमार बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं करते। काम नहीं मिलने की बाबत जब रोजगार सेवक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव में डोहा सेंक्शन हुआ था, मगर गांव वालों ने लेने से इनकार कर दिया। रोजगार सेवक हैं, 3 साल में आप सिर्फ वो हाथी का दांत दिखाने के लिए कार्ड इशू कराया गवर्नमेंट से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत, लेकिन कोई भी काम पिछले 3 साल में नहीं हुई है, ऐसा सर क्यों और क्या कहेंगे? वहाँ पर ग्राम सभा में समतलीकरण कराया गया था जी, और डोहा पहले तो हम लोग का जो गाइडलाइन था रांची से आपका डोहा करने के लिए, अच्छा तो डोहा की स्कीम वहाँ नहीं लिया गया, वहाँ समतलीकरण का स्कीम लिया गया था ग्राम सभा से। देखिए मामला देखिए, हम लोग तो स्कीम देने के लिए तैयार है, सवाल उठता है कि स्कीम जो होने लायक है, जो अभी हम लोग को गाइडलाइन है सरकार तरफ से, अगर वो से स्कीम मैंने करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है करवाने में। अब जैसे बोलेंगे हमको पशु से दे दीजिए अधिक मात्रा में, या मान लीजिए आपको गाड़वल दे दीजिए, या बोल रहे हैं कि जीर्णोद्धार दे दीजिए, प्रोविजन हम लोग के यहाँ है नहीं। स्थिति इस गांव में है सर कि पक्के के मकान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और जब ये लोग इंदिरा निवास के लिए जाते हैं आप लोग के पास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक मोटी रकम की डिमांड होती है सर, क्या कहेंगे? आवास तो बहुत बना है, आवास तो वहाँ बहुत बना है ढोलबजगा में, इस संबंध में हम नहीं बता सकते हैं कौन पैसा की डिमांड करता है, क्या करता है नहीं करता है, हम तो कभी इस तरह का बात नहीं बोले। नाम तो आपके भी आ रही है सर, हवाले दीजिए, क्या आवास के काम तो हम देखते नहीं है, BLW देखते हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो महिलाएं बेसहारा हो चुकी हैं, उन्हें अभी तक विधवा पेंशन नहीं मिला, जबकि 5 से 7 बार वो आवेदन दे चुकी हैं, क्योंकि वहां से भी चढ़ावे की मांग है। हमारा विधवा पेंशन का दिक्कत कहाँ बोलता है कि मैं ऐसे बोला डीसी के पास जमा दे तो फिर भी नहीं हुआ आपको? बोलता है हो जाएगा हो जाएगा, हो भी नहीं। कितने दिन से ये घटना घट हो गया है? 10 साल हो गया है। 10 साल से आपका वृद्धा पेंशन स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं के बरिए भर के दिया देवे नहीं करता, कुछ बोल क्या बोलता है कुछ बोल भी नहीं करता, नहीं पे करता है, करने के हमको वृद्धा पेंशन दीजिए बाल बच्चा को कैसे कर के ये है तो अब कहाँ कहाँ मिलेगा, कोई पक्षे में है लेने के लिए? क्या बोलता है आपको? हाँ मिलेगा मिलेगा, अब कहाँ राजनीता ले जाता दूबे सिमला भर है कहाँ पक्का नहीं, हाँ मिलेगा मिलेगा ही सबको देता है चला है 4-5 साल। भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि खुटहरी पंचायत के जयराम डांगा के गोचर जमीन में भी तालाब की खुदाई कर पैसे निकाल लिए गए।
इतना ही नहीं, इस पंचायत के पिपर जोड़िया में फुटबॉल मैदान का समतलीकरण किए बिना 14,07,000 की निकासी हो चुकी है। बहुत सारा काम होता है, हम लोग का यहाँ काम ना तो होता है, हमारा तो लोग जाता है बाहर खेलने के लिए, लॉकडाउन में फंस गया तो हम लोग का खाएंगे, पानी का बहुत दिक्कत है, चौपड़ा कल भी खराब है, हम लोग का सर कोई चीज का हम लोग कोई कर्मचारी कोई हम लोग का जनसेवक हम लोग को देखने वाला नहीं, सीओ वीडियो कोई नहीं, कोई भी आला अधिकारी आपके गांव में नहीं आता, नहीं कौन है, नहीं हम लोग चिन्ह नहीं करते हैं, तो आने का तो सवाल दूर की बात, हम पंचायत का चक्कर काटते काटते सर बोलता है कि आज कल काम देंगे कल काम देंगे, और एक भी काम नहीं मिल रहा है, और मेरा जो गार्ड वाल का बारे में बोले कम से कम 17 बार भी बोले गार्ड वाल हम लोग को दे दीजिए, क्योंकि मेरा रोड नदी बन रहा है, मेरा रोड काट काट के नदी बन गए, लेकिन अभी तक रोजगार सेवक पंचायत सेवक वीडियो साहब जरा भी बात को हम लोग को नहीं लेता है, सुनता नहीं, कोई भी काम लीजिए तो पैसा का मांग करता है, आवास का नाम पर भी बोलता है पैसा दीजिए उसका बाद काम होगा। ये मनीष कुमार कौन है? मनीष कुमार वीडियो का क्या है सर, उसका कोई स्टाफ है। इन तमाम मामलों को लेकर जब राजमहल वीडियो उदय कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि ढोलबाजा गांव के भगवान ही मालिक है, जहां की धरती पर विकास की किरणों का पहुंच पाना एक सपना सा है। गांव वालों के पास अगर कुछ है तो बस एक उम्मीद कि कभी तो किस्मत बदलेगी। मैं भी राजमहल प्रखंड ऑफिस जो है ब्लॉक ब्लॉक के बाहर में खड़ा हूं। अभी मैं गया था जो यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी है उदय कुमार उनके पास, जब मैं उनको ढोलबाजा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, और इनकार ही नहीं किया उन्होंने झाड़ दिया और कहा कि इसमें मैं कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा। सहयोगी मुकेश राय के साथ सनी सिंह की रिपोर्ट राजमहल से लाइव 7 के लिए।